यहाँ गाड़ियाँ ठुक गई बहुत भयंकर। देखो ये रोडों पे गिरा हुआ ना पूरा मलबा, ये कोहरे के कारण आज गाड़ियाँ ठुक गई बहुत सारी, कम से कम 20-30 गाड़ियाँ। मैं देख रहा हूँ रेनॉक्स की जैकेट LS2 32,000 का हेलमेट है, खतरनाक है इसमें मेरा घर जाएंगे ब्रो। तो गाइस मैंने अभी ये ग्लव्स देखा था, ग्लव्स बहुत ही सेक्सी लग रहा है एकदम यार, बहुत मजा आ गया। लॉन्ग ग्लव्स है पूरा, तो ग्लव्स बहुत अच्छा है इसमें। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज निकला हूँ दिल्ली के लिए, मेरे को कुछ अपने के लिए सामान वगैरह लेने हैं, कुछ राइडिंग गियर्स लेने हैं, कुछ अपनी बाइक के लिए कुछ पार्ट्स लेने हैं जो मैंने अभी हाल ही में डोमिनार 400 परचेज की थी जनवरी में नए साल के दिन। तो निकला हूँ मैं अपने भाई के साथ, तोसु भाई के साथ। तोसु भाई का भी यूट्यूब चैनल है और ठीक है, चैनल का नाम है तोसीवा ड्रैगन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको मैं भी आगे रोड के हाल दिखाता हूँ, जो मेरठ से बिजनौर वाली रोड के हाल है, बिजनौर मेरठ के, बहुत ही गंदी रोड है, उस टाइम से रेंग रेंग की चल रही है इस रोड पे। तो दिखाता हूँ आपको कुछ रोडों के हाल है इस रोड पे। रोड कम, गड्ढे ज़्यादा है, इतनी स्लो स्पीड में चल रही है, मतलब 40-40 ऐसे चल रही है स्पीड, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही है, रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। पिछले बार ये बोल रहे थे दोस्तों भैया कि यहाँ से आते समय मेरी गाड़ी का टायर फटा था, दो टायर फट गए, दोनों टायर एक साथ फट गए। तो लगा भाई कैसे हाल है, गवर्नमेंट से बोलो भाई कि ये काम करे रोडों पे, गड्ढे ही गड्ढे हैं रोडों पे। तो अभी मैं आगे रोडों पर गड्ढे यार, तो रोडों पे गड्ढे है या गड्ढे पे रोड है, और सबसे बड़ी बात है ना, नजीबाद से लेकर यहाँ तक कोई ये रोड का यही हाल है। हाँ नजीबाद वाली रोड ना, जो हमारे कोटद्वार से नजीबाद है, वो भी रोड ऐसी है, ना बाइक ढंग से चल पाती ना कार। खास कर यार देखो, कार तो एक बार निकल भी जाएगी, पर हम बाइक का बहुत ही दिक्कत है कार। हाँ वो तो है, क्या सबसे बड़ी चीज ये कि देखो ना, तो रोडों में कोई अच्छे से रिफ्लेक्टर्स वगैरह ना कुछ है, ना लाइट है, ऊपर से रोड इतनी खराब है कि क्या बोले। रात के टाइम बाई चांस अगर बाइक में जा रहा था, उसमें खड्डा आ गया और रिम वगैरह अगर बैंड हो गई, रिम तो बैंड हो गई होगी पर आदमी जरूर बैंड हो जाएगा भाई साहब। रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए, तो कई बार लोग रात को ट्रैवल करते हैं ना, रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए रोडों के किनारे वगैरह। एक बात तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस यार, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो ना, तो हाईवे पे मॉर्निंग वॉक मत करो यार। हाँ यार अभी हम आ रहे थे ना, तो लोग ये नजीबाद वाले रोड पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह निकल रहे हैं घर वाले, कैसे तो इनके माँ बाप, मतलब कैसे तो इनके घर वाले जो उनको हाईवे पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए भेज रहे, अगर खुदा ना खास्ता पीछे से किसी ट्रक ने उड़ा दिया, किसी बाइक वाले ने वो लग गई, सारी बात है, पूरी रोड घेर के चल रहे भाई हाईवे पे, वो गलत है ना। बीच सेंटर में दौड़ लगा, मैं तो बोलना चाहूंगा जितने, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अपने माँ बाप को खासकर हाईवे पे ना भेजिए। अभी मैं आ रहा था कोटद्वार से, तो मैंने देखा नजीबाद वाले हाईवे पे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे, तो इनके परिवार वालों को बोलो कि अपने घर वालों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए हाईवे पे ना भेजे। पीछे से इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ये सामने आ रहे हैं, ये सामने देख लो इतने बड़े ट्रक आते हैं, सुधरना था खासा इनके, अगर ये ओवरलोडेड रहते ना, और ये कम से कम 60-70-80 की स्पीड में भी रहे, इनके ब्रेक नहीं लगते भाई, प्रॉपर काम नहीं करते, नहीं रुकते, ये घिसते हुए चले जाएंगे आदमी को। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ना भेजे, अपना मोहल्ले में कर ले, कहीं कोई मतलब पार्क होगा वहाँ पे जाके मॉर्निंग वॉक कर ले, हाईवे पे ना आए खासकर। अपने खेतों में घूम लो, खेतों में घूम लो अपने यार, इतने बड़े बड़े खेत है नजीबाद में, बढ़िया में इतने बड़े बड़े खेत है, वहाँ घूम लो। बोलता हमारे 100 बीघा खेत है, 100 बीघा का खेत छोड़ के तुम रोडों पे आ रहे हो, फिर कोई गाड़ी वाला मार के चले जाएगा। रोड तो भाई रोड, ये देखो रोड, ये है, ये स्विट्जरलैंड वाली रोड है, सिंगापुर वाली रोड। अब इतना बड़ा ट्रक तो निकल जाएगा, ट्रक के चौड़ा टायर है, वही तो मैं कह रहा था। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे, अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुकेंगे, बाकी हम मिलते हैं आगे। हाँ दिल्ली पहुँचते फिर आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या सामान लिया, कैसे कैसे लिया, मार्केट भी दिखाएंगे साथ साथ, और कितना सस्ता लिया वो भी दिखाएंगे, रेट वगैरह सब। हाँ मार्केटिंग करेंगे तगड़ी वाली। चलो तो अभी रुके हम पेट्रोल पंप में तेल भराने के लिए, नहीं दिख रहे कोहरे के कारण गाइस यहाँ गाड़ियाँ ठुक गई बहुत भयंकर। देखो ये रोडों पे गिरा हुआ ना पूरा मलबा,
ये कोहरे के कारण आज गाड़ियाँ ठुक गई बहुत सारी, कम से कम 20-30 गाड़ियाँ एक साथ ठुकी हुई है। देखो भयंकर ठुकी है कि पीछे एक गाड़ी कोहरे पे, ये आंटी कोहरे के चक्कर में ठुकी गाड़ियाँ। अरे कोहरे के कारण इधर ठुकी पड़ी है, क्यों चल रही है अपने साइड लाइन में, जाकर चले तमाशा थोड़ी चल रहा है यार। दूसरों का तो बल्कि हमने कितना 100 किलोमीटर से ऊपर का हमने 1 घंटे के अंदर तय करा। उसके बाद अभी तो अभी रुक के हम टोल पे, और यहाँ से पहले हम फरीदाबाद जाएंगे। फरीदाबाद एंटर हो चुके हैं, मतलब तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन। ब्रो कौन सा मेट्रो है ये? ये है अभी बड़तल मोड़। बड़तल मोड़ पालम जाएंगे आप शॉपिंग करने के लिए? या पालम से उठाएंगे हम गोप्रो। गोप्रो ओ या नाइस, चलो मिलते गाइस आपको आगे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी मेट्रो पे। तो क्या देख रहे हो तुम? कौन है कौन है कौन है कौन है जी? ना जी मैं हेलो ब्रो। ब्रो अरे हटो, क्या कर रहा है? किसको रिकॉर्ड कर रहा है बता तो दे। कौन छूट गई? कौन सी वाली है? सिनेमैटिक डालोगे भैया? शादी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा भाई। बारात ले जाएगा क्या अपना लौंडा? ही हो रहा दिल्ली में मिल गया बेचारा। तो कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ सड़ी हुई गर्मी में दिल्ली में रह गए? पहाड़ों में रहने वाला भाई, क्या बकचोदी मेरे कोट के साथ, क्या बकचोदी करेंगे? पहाड़ों में रहने वाला भाई दिल्ली की सड़ी हुई गर्मी में रह रहा भाई, मेरा तो दिमाग पक गया यहाँ। चलो चलो चलो, भरत भरत मिलाप हो गया भाई, भरत मिलाप हो गया। काला रहा तुम चाय मत पिए करो यार, काले हो जा रहे हो तुम बार बार। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अभी मेट्रो से बाहर, और ये मैं हमारा चाइनीज बाइक वाला भाई मिल गया है। चाइनीज बाइक वाले भैया कुछ बोलना चाहेंगे? तो चाइनीज बाइक वाले भैया, चाइनीज बाइक वाले भैया मैं उतर चुका हूँ अभी नीचे मिनी मेट्रो से, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। और मैं आ गया हूँ अभी सुजुकी के शोरूम, सुजुकी के शोरूम के बाहर हूँ। हाई बोल ले लेते यार, पैसा बहुत हो गया हमारे पास यूट्यूब से। तो भाई लोग हमने तोसु भाई के लिए गोप्रो ले लिया, ये मयंक के हाथ पे है। तोसु भाई खुश, तोसु भाई अभी और सामान भी है इसका। तोसु भाई का डब्बा बेटा, इसी से वही वाली वीडियो बनावा जो इसका लिंक इंडिया में नहीं है वाला। तो गाइस हमने अभी गोप्रो उठा लिया और हम फिर से मेट्रो में जा रहे हैं। मेट्रो की हमें करोल बाग जाना है, मेट्रो आगे का सामान लेने के लिए। करोल बाग पहुँच के हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपने के लिए क्या क्या एसेसरीज वगैरह लिए बाइक के लिए, और दो दिन के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट सारे रिजॉर्ट भी लेके जाएगा जो उनकी काफ़ी सेक्सी है। तो इसके बाद हम जाएंगे करोल बाग। चौड़ में चल रहे भैया लौंडापुर। हेलो मिस्टर, हमारा वेटर आ गया। देखो वेटर को, देखो वेटर रंग रखो रखो ये फ्रेंच फ्राइज, ये वेज बर्गर मेरा, और ये क्या चिकन, और तेरा कौन सा है यार? में गंदी गंदी बातें करता रहता है यार डीमन ब्रोस, इसके चैनल में जाके देखना कितनी प्यार से बोलता है, और अभी गाली दे रहा है। और इनका चैनल तुम जरूर देखना, इनका चैनल का नाम है क्या? कोसीवा डार्कोस। डार्कोस डार्क डार्कोस क्या नाम है? ड्रैगून। ड्रैगून चारकोल। हमने बर्गर किंग में बर्गर खा लिया, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से जहाँ हमने अपने के लिए सामान वगैरह लेना है। तो मिलते हैं आपसे वहीं पे, वो दुकान मिल चुकी है जहाँ से हमने अपने के लिए सामान लेना है, और वहाँ जा रहे हैं हम फिलहाल, पहुँच के बताते हैं। एक आदमी ने गोल गोल घुमा दिया, ये है दुकान। यहाँ फिलहाल जैकेट का तो दरवाजा तो बंद कर लिया करो यार। तो गाइस मैं देख रहा हूँ अभी रेनॉक्स की जैकेट, पहन गए
कुछ इस तरीके से, बहुत हैवी है यार ये, राइडिंग जैकेट है, मुझसे ज्यादा नहीं होगी। कैसे है जी? कुछ निकला पुड़िया निकल गई। एक बार पीछे तो बहुत हैवी है, सही है। आज बड़ी मुश्किल से तो भाई का साइज मिला है 4XL। पहनिए सर, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ ब्रो, राइडर का बाल क्या मुझे तो यार, अब इसको लगाओ ब्रो। डीमन ब्रोस, 200 भाई का तो फाइनल हो चुके हैं, जैकेट और पैंट अच्छी लग रही है। भाई तुमने जो पैन देखी थी, पैन के दिखाओ जरा, 23,000 रुपए की जैकेट है, देख रहे हो। कौन सी कंपनी की है? रैपिड, रैपिड 22,000 की है। ये भी रेनॉक्स की है। इसमें आपको एक साल के लिए 50,000 का इंश्योरेंस मिलेगा, अगर कभी एक्सीडेंट कभी मिले ना, जरूरत में पड़े, पर ये भाई ओनली फॉर रेनॉक्स। रेनॉक्स या तो भैया हमारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं। अभी फाड़ो फाड़ो जल्दी फाड़ो, हमें भी चाहिए जैकेट। ब्रो स्मार्ट लग रहे हो, कालू कालू चु कालू। तो ये आ चुकी है मेरी जैकेट, अब इसको पहनूंगा। सबसे बढ़िया चीज सही लग रही है, देखो बैक से जेल फिटिंग अच्छी आ रही है। यार मैं अगर जिम जाऊंगा LF2 32,000 का हेलमेट है, खतरनाक है यार। इसमें मेरा घर जाएंगे ब्रो, 32,000 का हेलमेट यार, देख रहो भाई बहुत महंगा है भाई, 32,000। अभी तो मेरी बस की नहीं है इसका हेलमेट को लेना, 32,000 रुपये का, देख रहे भाई। जूता ले रहा है तुम आते हो ना, मेरे मुंह से गाली निकलनी शुरू हो जाती है। अभी तक ऑफिस जा रहा था, एक मतलब दो, देखो एक दो तीन चार पाँच छह जोड़ी जूते ले रहे, उसमें से एक पसंद आया, बड़ी मुश्किल से 45 जोड़ी भाई। अगर होगा ना राइडिंग वाले शूज ऑल टोटल। तो गाइस मैंने अभी एक ग्लव्स देखा था, ग्लव्स बहुत ही सेक्सी लग रहा है एकदम यार, बहुत मजा आ गया। लॉन्ग ग्लव्स है पूरा, ग्लव्स बहुत अच्छा है। इसमें ये क्या लगे भैया, ये क्या बोलते हैं इसको, नकल्स कौन सा है ये? कार्बन फाइबर के, बहुत ज्यादा अच्छे है। पर मेरा इस टाइम बजट नहीं है ना, मेरे पे पैसे है। और ये भैया बता रहे कि 7,500-7,000 के अंदर है ये पता करके बता रहा हूँ। ये इसमें बड़ा तो इसका ये दूसरा पीस है, इसका ये ब्लैक है भाई, ब्लैक कितना सेक्सी लग रहा है यार इसका। ये ब्लैक है और ये इसका नियॉन और रेड है भाई, ब्लैक भी बड़ा सेक्सी लग रहा है यार। पर पैसे नहीं है अभी यार इतने, 7,000 की मैं राइडिंग पैंट लूँगा यार, जितना ये ग्लव्स लूँगा। और ग्लव्स और भी भैया के पास, जिसमें आपका एक ग्लव्स ये है, एक ग्लव्स आपका ये वाला है, और एक फुल एंकल एक ये वाला है, बहुत है देखे है। पर पसंद मेरे को ये वाला आया, ये इसका ये ब्लैक, ये वाला जो ये इसका ये ब्लैक है, बहुत सेक्सी लग रहा है। पर पैसे नहीं है यार, इसका भाई 7,000 रुपए का है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये पैन ईयर देखे है, मेरे को पसंद आए, बहुत अच्छे है, ब्लैक मेरी बाइक के साथ मैच करेंगे। इसके टॉप बॉक्स भी पूरा ब्लैक है, ठीक है। तो ये अगले बार लूँगा, करीब 40,000-41,000 के मतलब पूरा कंप्लीट पड़ रहा है मेरे को ये दोनों साइड के, और एक इसका टॉप बॉक्स। तो अच्छा है ये, तो हेलमेट है ब्लैक, पर अगली बार जब आऊँगा ना तो मैं ये ले जाऊँगा, जब नेपाल राइड में जाऊँगा ना उससे पहले। तो ये है पैन ईयर, आपने मुझे UPI पेमेंट किया, देन 3500 आपने UPI किया, और 19,000 आपने मुझे कैश किया। 81,620 का आपने आज टोटल शॉपिंग किया है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके रिमेनिंग है, जो आप मुझे कह रहे हो तो मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। तो दोस्तों देख लो,
हैप्पी बर्थडे दी और हमने यहाँ से भी परचेज किया है, ये इस कार्ड में आपको सबका नंबर मिल जाएगा तो और ये हमने अपना सामने चैनल का नाम लिखा है सामने। दीदी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। भाई लोग हमने गियर वगैरह सब ले लिया, राइडिंग जैकेट वगैरह, राइडिंग पैंट वगैरह, सूट वगैरह और गिफ्टेड में हमें टोपी दी दी इसने बस। और यहाँ से हम अपने ये नीले थैले ले जाएंगे कंजर वाले और मेट्रो में सफर करेंगे, यहाँ से हमारे सारे थैले भाई ले जाएगा। आज सुबह मैंने भैया को मैं पराठा खिलाए, पनीर पराठा खिलाए, इसलिए खिलाए कि भाई हमारा बोझा उठाएगा। Oh guys, bye. See you soon, later. और मैं बहुत जल्दी घर आने वाला हूँ, फिर मिलते हैं राइड पे, see you later. हम तीनों की शॉपिंग 81,000 रुपए की हुई यार, बहुत महंगी शॉपिंग, 81,000 की शॉपिंग। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये शॉपिंग सिंगल एक बंदा करेगा कुछ दिनों में, तो गाइस सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई के साथ और चैनल को लाइक कीजिए, वो वीडियो को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ ही इस तरीके से। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। तो ये सामने बोर्ड में लिखा हुआ है जो एड्रेस सबका न्यू दिल्ली में पड़ता है, ये तो इसके जस्ट इधर से गली जाती है ऊपर जहाँ से मैंने अपना सामान परचेज किया है, ठीक है। इस बिल्डिंग में जाना है आपको सामने, तो यहाँ से आप कभी भी आए तो इधर से अपना सामान वगैरह परचेज कर ले जहाँ से हमने किया है। भाई लोग मैंने ले लिया है अपना सामान और मैं जा रहा हूँ यहाँ से कोटद्वार कश्मीरी गेट, ये मेरी कैब आ चुकी है और यहाँ से मैं जाऊँगा कोटद्वार उसके बाद कश्मीरी गेट से, तो बाय।